वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक शाइनिंग स्टार प्रोग्राम में। आपको कामरान सिकंदर वेलकम बैक कहता है, खुश आमदीद कहता है, जी आयानु कहता है जी। और जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम कहेंगे कि अपनी लाइव कॉल ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में करें और इस प्रोग्राम में शामिल हों, क्योंकि अब हमारे साथ एक और गेस्ट शामिल हो गए हैं, एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर आ गए हैं और वो हमें लाइव सुनाएंगे हारमोनियम के साथ और तबले के साथ। तो प्रोग्राम मज़ीद एंटरटेनिंग और मज़ीद मज़ेदार होता जा रहा है। तो जैसे कि राबिया ने हमें रहीम यार खान से कॉल करके अपनी लाइव आवाज़ में गाना सुनाया, तो आप भी हमें सुना सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो शर्माए नहीं, अपनी थोड़ी सी शर्म साइड पे रखिए, अपने गाने और अपने टैलेंट को इस प्रोग्राम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू पूरी दुनिया तक लेके जाइए। एक हमारे साथ कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं और कहां से? भजन, मैं इमरान बात कर रहा हूं सियालकोट से। इमरान, कैसे हैं आप और प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपका। इमरान, क्या करते हैं आप? कोई सिंगिंग वगैरह का शौक है आपको, एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग? हाँ जी, सिंगिंग का काफी शौक है। अच्छा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अच्छा, तो ले आज हम आपको मौका देते हैं, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा चले, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत खूब, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा गाया और अच्छा लगा आपको सुन के। और आपने अब हमारा हमारे प्रोग्राम का जो है ना रेगुलर कॉलर बनाया है, आपने आपने रेगुलर कॉल करनी है। ठीक है, ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और ज़बरदस्त सिंगर शामिल हुए हैं इस ब्रेक में, उनका मैं तारुफ कराता हूँ आपको। अली गुलजार हैं, यंग टैलेंट है और बहुत अच्छा गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह की साहब का। कैसा लगा आज हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप आर्टिस्टों की इतनी ऑनर करते हैं और इतना उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आर्टिस्ट तो हमारे मुल्क का सरमाया है और हम आर्टिस्टों की इज़्ज़त करने वाले हैं, और ये चैनल का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जो हमारे मुल्क का टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, यंग टैलेंट है, उनको हम प्रमोट करते हैं। तो कब से गा रहे हैं आप अली? जी गा तो बचपन से शौक था, पापा से सीखा है। अच्छा, और किसी ख़ास घराने से ताल्लुक़ है? जी। अच्छा, कुछ बताएं अपने घराने के हवाले से थोड़ा सा। जी, मेरे पापा जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अच्छा, ठीक है। और मेरी अपनी भी कुछ कॉम्पिटिशन हैं और ये जितना सीखा है ये सारा पापा से ही सीखा है। ज़बरदस्त। तो हारमोनियम बजाना आपने किस एज में सीख लिया था? ये 10 या 12 साल की एज थी। ज़बरदस्त। और मतलब बिल्कुल स्कूल से आना तो फिर घर पे यही बैठे हैं। ज़बरदस्त। तो आपके पापा का क्या नाम है और मतलब क्या खिदमत है उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से? गुलजार अहमद उनका नाम है। अच्छा, और ये भी कुछ तो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि मेहनत आपकी है और उसे इस्तेमाल कोई और करता है। हाँ, कुछ इस तरह के भी है। और काफ़ी ये मैडम जो है, ठीक है, फरालाल, इसको भी पापा फिल्म इंडस्ट्री में लेके हैं। ठीक है। और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि फरिया परवेज। ये ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अली, कुछ लाइव सुनाएं आप हमें हारमोनियम पे। सब हम दुनिया दे, उल जान सब हम दुनिया दे, जिनू प्यार करम जे उनार होवे, उल जान सब हम दुनिया दे, जिनू प्यार करम जे उनार होवे, जान सब रंग दुनिया दे। असवाग मुसाफिर टुर जा
वक दिल चो ना तेरा ख्याल होवे